गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार गुप्ता लाइन यूट्यूब चैनल पर चंद्रेश्वर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आरआरबी एनटीपीसी के लिए हम तैयार हैं और आप भी अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपके लिए डेली जो है आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो प्रैक्टिस सेट जो है रीजनिंग के लिए, आपको 10 क्वेश्चन का सेट एवरीडे मिलेगा। दोस्तों, एनटीपीसी और मेरा जो प्रैक्टिस कराने का जो मोड है वो सुन लीजिए। पहले आपको क्या मिलेगा कि दो दो चैप्टर के जो है 10 क्वेश्चन, एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं, ताकि आप जो है उस चैप्टर पे आप कमांड बहुत अच्छे से कर पाए। आइए, बातों को विराम देते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और आज का टॉपिक है नंबर सीरीज और अल्फाबेट। दो टॉपिक से मैंने 10 क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी में पहले आ चुका है 2016 के बैच में। तो आइए, हम देखना चाहते हैं कि आइए वहां पर किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और हम क्या उस प्रकार के प्रश्नों को इजीली सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। तो आइए, स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों में एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। दोस्तों, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है अल्फाबेट और नंबर सीरीज, जैसा कि आपको पता है, और मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो है इसी टॉपिक से क्वेश्चन छोड़कर आते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग, कैलेंडर क्लॉक, डाइस बॉक्स, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट सब करते हैं, पजल सब करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है छोड़ते हैं तो क्या? जो लगता है कि सबसे आसान टॉपिक है उसी से लड़के क्या करते हैं, स्किप कर जाते हैं, और मैं ऐसा आपके साथ होने नहीं दूंगा। तो आइए पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। देखिए, इजी टू मॉडरेट लेके मैं चल रहा हूं। आज प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, तो मैं चाहता हूं आज आपका मनोबल डाउन ना हो, इसलिए मैंने उन क्वेश्चन को चूज किया है जिसमें आप भी कुछ मदद कर सकते हैं, और जो नहीं आएगा मैं तो हूं ही। तो पहले क्या होगा, पैटर्न क्या होगा कि पहले आप ट्राई करना कि देखो आपको आ रहा है कि नहीं। वीडियो के पहले क्वेश्चन को आप देख करके पॉज कर देना, इसके बाद जो है आप ट्राई करना कि क्या मैं इसको सॉल्व कर पा रहा हूँ। बहुत ही इजी टू मॉडरेट, ये मेरा लेबल है और डेली आपको मिलेगा, इसका मैं वादा करता हूँ। तो चलिए आइए, लिखा है यहाँ 6, 25, 62, 123 and 24, 2, 1, 4। यहाँ पर आपको फिल करना है कि यहाँ पर क्या या कौन सा अंक, यहाँ चार ऑप्शन आपके सामने रखा हुआ है और क्या पैटर्न लगाते हैं। स्टूडेंट्स, लॉजिक जो है ना नंबर सीरीज में फिक्स नहीं होता, ठीक है? लॉजिक फिक्स नहीं होता, तो आपको उन लॉजिक लगाना है जो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो आप क्या लॉजिक लगाओगे सोचिए जरा। 6 का संबंध 25 से हम कैसे ला सकते हैं? कुछ बच्चे होंगे जो 6 का 4 बार गुणा करेंगे, 6 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऐड करेंगे। तो क्या 25 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद 100 आ रहा है? इसका मतलब मल्टीप्लाई का लॉजिक क्या हो गया, फेल हो गया। दोस्तों, आपको जो है ना सीरीज देखते ही पता चल जाएगा कि सीरीज क्या है। जरा देखिए तो 6 का संबंध, 25 का संबंध, 62 का संबंध, किसी का अगले टर्म से कोई संबंध है क्या? तो मैंने एक लॉजिक सोचा कि ये जो 6 है, ठीक है, कहीं ना कहीं 8 के आसपास आ रहा है। किसके पास आ रहा है? 8 के पास भी है, 4 के पास भी है। तो मैंने सोचा कि 2 का क्यूब लेते हैं, और 2 का क्यूब 8 होता है, और 8 में से कितना घटाएंगे कि 6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, 2 घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 2, कितना आ गया, चलो ठीक है, सोचा है मैंने, ठीक है, ये नहीं कह रहा हूं कि यही सही है, सोचा है। अब आइए 25, जब मैं पहले टॉपिक पे क्यूब लिया है तो 25 के आसपास कौन सा संख्या क्यूब में होता है? 27 होता है, और 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है। अब 27 हो गया, 27 में से क्या घटा दें कि 25 आ जाए? स्टूडेंट्स, हमें पैटर्न मिलने शुरू हो गए। अब जैसे ही 3 का क्यूब में से 2 घटाएंगे 25 आ जाएगा, उसी प्रकार 4 का क्यूब में से हम 2 घटाएंगे, 4 का क्यूब होता है 64, और 2 घटाएंगे तो देखो यहाँ 62 आ जा रहा है ना स्टूडेंट्स। अब आइए 123, 5 का क्यूब 125, 2 घटाएंगे 123। अब हमें सोचना ही नहीं है 214 के बारे में, हमें पता है ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4, ये 5, ये 6, और यहाँ हमें पता है 7 का क्यूब माइनस क्या करेंगे, 2 करेंगे, ये हमारा आंसर होगा। और 7 का क्यूब कितना होता है, 343। स्टूडेंट्स, यदि आप आरआरबी एनटीपीसी के लिए सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो कम से कम 30 तक स्क्वायर आपको रटा होना चाहिए और 20 तक क्यूब रटा होना चाहिए। स्टूडेंट्स, 7 का क्यूब 343 होता है, 2 माइनस कर देंगे, कितना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बोलिए कैसा लगा, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जरा ध्यान दीजिए। बिल्कुल, दिस इज अ
जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया है ये जो है ना मैजिक सीरीज के अंतर्गत आता है। और मैजिक सीरीज क्या होता है आप पढ़े होंगे, मैं गेस करता हूं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहां पहले अंक पे आपको भरना है। जैसा कि मैं जान रहा हूं देखो 9, 25, 49, 121, 169 किसी ना किसी संख्या का वर्ग है। 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 11 का वर्ग। तो हमें कहीं ना कहीं ये पता चल गया कि यहां वर्ग से ही शुरुआत हुआ है। अब यहां पर यदि मैं देखता हूं तो ये वर्ग नहीं है, ये वर्ग नहीं है, 4 वर्ग है और 1 वर्ग है। आप क्या फील करोगे? 1 का वर्ग 1 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन तो डिलीट हो गए, बचा 1 और 4। तो मैंने ये देखा, पैटर्न बनाया कि ये 3 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, ये 11 का वर्ग है, ये 13 का वर्ग है। है नहीं स्टूडेंट्स? आप क्या करोगे? हमें देखा कि यहां 2 का गैप है, यहां भी 2 का गैप है, लेकिन यहां 4 का गैप है, यहां फिर 2 का गैप है। तो कहीं ना कहीं वो जो है एक टर्म छोड़ा हुआ है। तो यहां पर आरआरबी से गलती हुई थी, यहां टर्म होना चाहिए 81, तब जाकर के ये सीरीज बिल्कुल सेट बैठ जाता है। 3 का वर्ग, 5 का वर्ग और यहां 7 का वर्ग, फिर ये 9 का वर्ग, फिर 11, फिर 13। तो स्टूडेंट आपको लॉजिक पहचानना भी पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन सही आ रहा है। जानबूझकर मैं एक टर्म यहां मिस किया था, इसलिए मिस किया था ताकि आप पैटर्न को पकड़ पाते हो कि नहीं। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आरआरबी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं, मिसप्रिंट होते हैं, और हम उस पर अपना ज़्यादा समय व्यतीत कर देते हैं जिससे कि हम रैंक में, मेरी रैंक या आपकी रैंक कम आ जाती है। स्टूडेंट्स ऐसी गलतियाँ हमें दोबारा नहीं करनी है। तो आइए, यहाँ पर हमें पता है 2-2 का गैप बोल रहा है, 3 से पहले 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो ये ऑप्शन 4 डिलीट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। कैसा लग रहा है वीडियो, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए, और ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो है अभी आपके पास कम से कम 45 डेज है, और मैं चाहता हूँ कि आप हम लोगों के साथ जुड़े रहें ताकि आपको डेली जो है आपको कुछ नई चीज़ों को मैं सिखाने का प्रयास करता रहूँ। तीसरे क्वेश्चन को मैं होल्ड करता हूँ, और अब देखिए कि क्या जो है यहाँ फिल किया जाएगा। 3 है, 12 है, 39, 120 है, क्या करेंगे, क्या करेंगे कि ये आ जाएगा। अब कुछ लड़के सोचते हैं 3 का ये 4 गुना है, 3 चौके 12 आ गया, तो क्या 12 का यह 4 गुना है? नहीं है, मल्टीप्लाई फेल हो गया, ये किसी स्क्वायर के पास भी नहीं है। है तो 1 के पास है, 4 के पास है, जरा स्क्वायर करके देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर + 1 करेंगे आ गया, 2 का स्क्वायर - 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या इसका क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर - क्या करेंगे, जरा देख लेते हैं। अब देखो 2 का स्क्वायर - 1 किया तो यहाँ 4 का स्क्वायर - 2 करना चाहिए, तो आंसर ही नहीं आ रहा है। 4 का स्क्वायर - 2 = 14 जा रहा है। तो हम डायरेक्टली जो है, मैं चाहता तो आपको आंसर भी बता सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप मेहनत करो। अब देखो यहाँ क्या है, 3 का इसमें 12 लाने के लिए हमने 3 का मल्टीप्लाई किया और +3 जोड़ा, 3 का मल्टीप्लाई किया और कितना जोड़ा, 3 जोड़ा। अब 12 का हमने 3 का मल्टीप्लाई किया और फिर 3 जोड़ा, 12 + 36 और 3 कितना हो गया 39, और फिर 3 बार मल्टीप्लाई किया और इसमें 3 जोड़ा, तो 120। अब हमें पता चल गया यहाँ पर हम 3 का गुणा करेंगे तो 12 + 36 = 360 हो गया, और 3 जोड़ेंगे तो यहाँ 363 आ गया, और 4th is the right option, चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बहुत ही आसान है। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 100, 115, 150, 70 और 185। जब ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाते हैं कि मिडिल में भरना पड़ता है, तो कुछ नहीं करते हम डिफरेंस लेते हैं। कितने का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है। क्या मैं देखूं कि यहाँ भी 15 का डिफरेंस आ रहा है, तो नहीं। देखिए यहाँ लास्ट में भी 15 का डिफरेंस है, इसका मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंस चल रहा है। इसका मतलब लास्ट में 15 का डिफरेंस है, उससे पहले 20 का डिफरेंस होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ भी 20 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 20 का डिफरेंस मतलब 115 में यदि 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 135 आएगा, और 135 हमारा आंसर सही हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फाइव को ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, 5, 11, 19, 29 के बाद भरना है। स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, आप यहाँ भी डिफरेंस सीरीज है, जरा देखिए तो सही, यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 6 जोड़ा गया है, ओके, बहुत आसानी से 11 आ गया। यहाँ पे ना 8 जोड़ा गया है, कितना जोड़ा गया है, 8 जोड़ा गया है।
यहाँ पर देख लेते हैं, 29, 19 से 29 लाने के लिए 10 जोड़ा गया है, सीरीज मिल गया, 6 जोड़ा गया है, 8 जोड़ा गया है, 10 जोड़ा गया है, तो 100% यहाँ 12 जोड़ा जाएगा और 29 में 12 जोड़ेंगे 41 आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर सही। ये रहा नंबर सीरीज के 5 प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम सीखेंगे, आपको कुछ प्रश्न दे देता है जिसमें विषम छांटना होता है, और आइए हम ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। लिखा है निम्न प्रश्नों में समानता ज्ञात कीजिए। समानता मतलब सिमिलरिटी के क्वेश्चन आपको पता करना है। समानता का मतलब ये बोल रहा है, रिथम लिखा है, क्या लिखा है, रिथम, रिदम भी पढ़ते हैं इसे, रिदम संबंधित है म्यूजिक से, रिदम की हिंदी पहले समझ लो आप, वो बच्चे जो हिंदी में पढ़ रहे हैं, रिदम मीन्स होता है ताल, ताल क्या होता है, सुर ताल, आप जानते हो ना म्यूजिक बजाया जाता है किसी लय में बजाया जाता है, तो बोल रहा है म्यूजिक बजाया जाता है किसी ताल में या सुर में, उसी प्रकार डिजाइन का संबंध, ये बच्चों डिजाइन कहाँ करते हैं, बिल्डिंग में करते हैं, देखो जरा ऑटिटिक बिल्डिंग ब्यूटी और सिमेट्री, डिजाइनिंग की जो सबसे ज़्यादा जो जरूरत होती है वो बिल्डिंग में होती है, आर्किटेक्ट तो होता नहीं, आर्किटेक्चर होता तो चल जाता, बिल्डिंग की हम क्या करते हैं डिजाइन, डिजाइन संबंधित किससे है, बिल्डिंग से है, तो हमारा जो है छठे आंसर का जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ओके, ये कोई खास नहीं होता, ये आपके बुद्धि पर डिपेंड करता है कि आप कैसे तालमेल बैठा पाते हो, समानता बैठा पाते हो। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यह दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, EIMQUY। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे प्रश्नों को आप जब भी सॉल्व करो तुरंत कोड कर दो, देखो यहाँ 5 लिख देंगे, यहाँ 9 लिख देंगे, यहाँ 13, यहाँ 17, यहाँ 21 और यहाँ 25। अब देखेंगे कि इसका संबंध यहाँ किससे आया है, 3 है, 7 है, 11 है, 15 है, 19 है और 23 है। स्टूडेंट्स देखो 5 से 3 का संबंध कितने का माइनस हो रहा है, -2 हो रहा है, यहाँ पे कितने माइनस हो रहे हैं, 9 से 7 यहाँ भी माइनस हो, 13 से 11 -2, 17 से 15 -2, 21 से 19 -2, मतलब हर जगह जो है आपको -2 क्या कर देना है, रिप्रेजेंट कर देना है। तो बोल रहा है क्या यहां पर ये मिसप्रिंट हो गया है, खैर ठीक है कोई बात नहीं है, यहां पर भी यहां पे वर्ड होना चाहिए था, यहां पे एक वर्ड होना चाहिए था, ये ऑप्शन जो है ना इनकरेक्ट है, इसका जो प्रश्न था वो जो है मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको हम छोड़ देते हैं कोई बात नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर देखते हैं, यहां पर ना एक वर्ड होना चाहिए था, आपको लॉजिक समझा देते हैं होता क्या है कि यहां पर ना कोई वर्ड दे देगा, इसको मैं गायब करता हूं और आपको सिखाता हूं। जैसे मान लीजिए होटल शब्द दे दिया, कह दिया कि जिस प्रकार EIMQUY का संबंध CGKOSW से है, तो होटल, होटल सब छूट गया था, होटल का संबंध क्या होगा, तो आप करोगे क्या, सिंपल सी बात है, एच का कूट कितना होता है 8 होता है, ओ का कूट कितना होता है 15, टी का 20, ई का 5 और एल का कितना होता है 12 होता है, तो आपको यहां पर डायरेक्टली मिल जाएगा जो भी ऑप्शन देगा। देखो ऑप्शन कैसे क्रिएट करेगा, एक तो चार ऑप्शन में से तो एक तो सही रहेगा और 3 क्या होगा, गलत होगा, पहले मैं सही ऑप्शन बना लूं, 8 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 6 आएगा और 6 का कोड क्या होता है F होता है, 15 का कोड O का 15 होता है, 15 में से 2 घटाओ 13 होता है, 13 का कोड M होता है, T का 20 है, 20 में से 2 घटाओ 18, 18 का कोड R होता है, E का 5 होता है, 5 में से 2 घटाएंगे C होता है, L का 12 है, 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 का कोड J होता है, और इसमें से दूसरा ऑप्शन दे देगा FMCRJ, इसको उल्टा सीधा लिख देगा, तीसरा भी बना देते हैं FCMRJ और R बना देते हैं, चौथा दे देते हैं JFMCRP दे देते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन जो है बना देगा आपको सामने, और हमें पता है कि E और C में -2 का संबंधित है, तो ऐसा ही हम निकाल लेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ओवरऑल जो है सब में -2 हमें माइनस कर देना है। आपको लॉजिक सीखना है, वर्ड पे ध्यान नहीं, रटना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को हम कभी रट भी नहीं सकते, तो आपको क्या करना है हमसे लॉजिक सीखना है, ठीक है ओके। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 जरा ध्यान से पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा है RMSKSLUI, कठिन नहीं है, आपको क्या करना है सबसे पहले याद रखिएगा, जब भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आए या इस प्रकार से क्वेश्चन आए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे उस पर हम कोड लिख देंगे, क्या लिखेंगे 18 हो गया, 13 हो गया, ये 19, 11
19, 12 और यहाँ 21 और यहाँ 9 हो गया। ओवरऑल आपको करना क्या होता है, करना ये है, देखो 18 में यहाँ पर इसको हम डिलीट कर देते हैं थोड़ा आपको समझाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और देखिए मैं समझाता हूँ। 18 से ना 19 हुआ है, 18 से 19 हुआ है मतलब कितने की वृद्धि हुआ है, एक की वृद्धि हुआ है। अब देखो 13 से क्या हुआ है, 13 से 12 हुआ है ना बच्चों, 13 से 12 हुआ है तो यहाँ -1 की वृद्धि कमी हो गई है। 19 से 21 हुआ है, 19 से क्या हुआ है 21 हुआ है तो -2 की वृद्धि, 2 की कमी हो गई। ओके देखो 18 से 19 हुआ है तो 1 की वृद्धि, 13 से 12 हुआ है तो -1 की कमी, 19 से 21 हुआ है तो +2, 19 से 21 हुआ है तो +2 की वृद्धि, 11 से कितना हुआ है 9 हुआ है तो माइनस यहां से -2। मतलब ओवरऑल हमें इस पर ध्यान देना है, +1 क्या है, +1 की वृद्धि हो रही है -1 की कमी हो रही है, +2 की वृद्धि हो रही है -2 की कमी हो रही है, सिंपल सी बात है। इसमें भी हम वैसे ही लॉजिक लगा देंगे, देखो k का कोड कितना होता है 11 होता है, m का कोड कितना होता है 13, r का कोड 18 और z का कोड होता है 26। स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, 11 में से ना पहले एक घटा दो, एक जोड़ा है तो जोड़ दो, 11 और एक कितना होता है 12 होता है, कितना होता है 12 होता है, 12 का कोड क्या होता है l, देखो किसी में l दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, यहाँ पे l मिला है, यहाँ पे l मिला हुआ है, यहाँ भी l है, तो अभी तो कन्फर्म कर नहीं सकते। अब देखो 13 में से ना -1 करो, 13 में से -1 करेंगे तो l आ जाएगा क्योंकि 12 होता है, 12 का कोड क्या होता है l होता है। अब देखो r है, r का कोड कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, यहाँ पे हम +2 करेंगे, अब +2 करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 का कोड क्या होता है t होता है। हाँ ठीक है t होता है। अब देखो z है, z का कोड 26 है तो यहाँ -2 करेंगे तो 26 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 24 आएगा और 24 का कोड क्या होता है x होता है, क्या होता है x होता है। अब देखो यहाँ पर ना l l मैच कर रहा है, l और l मैच कर रहा है, यहाँ पर h के बजाय यहाँ पे t होना चाहिए, क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स t होना चाहिए। तो ये भी देखो ऐसे प्रश्नों को मैं इसलिए उठाया हूँ कि RRB NTPC गलती करती है और गलती करती है, दो ऑप्शन मैच किया इसकी वजह से हम लोग परेशान रहते हैं, कहीं हमने गलत तो नहीं किया, गलत तो नहीं किया, ऐसा नहीं होता है, एकाधो प्रश्न NTPC में गलत आता है, तो इस पर आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। यदि नहीं आ रहा है ऑप्शन मैच उसको स्किप करके हम आगे बढ़ जाएंगे। तो हमें ऑप्शन पता चल गया एल एल टी और एक्स, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आ जाएगा। मूल रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि आपको ना क्वेश्चन को रटना नहीं है, आपको क्वेश्चन को समझना है, लॉजिक समझना है, जितने ज्यादा लॉजिक आप सीखोगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट्स आपको एग्जाम में मिलेगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए 9 क्या बोल रहा है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए। देखिए ये भी एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है लेकिन जो है एनालॉजी में आपको पूछता है, विषम पद छांटने के लिए पूछता है, समानता छांटने के लिए देता है। 11 का संबंध 1210 से है, कुछ लोग सोच रहे होंगे ना 11 का स्क्वायर करो, है ना बच्चों 11 का स्क्वायर करो, 121 हो गया और जीरो लगा दिया है। तो यहां भी हम सोच रहे हैं कि यहां भी वैसा ही कुछ होना चाहिए, तो देखो 9 का क्यूब क्या होता है 729 होता है लेकिन जीरो नहीं लगाया, नहीं होगा। 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, कितना होता है 512 होता है, ठीक है यहां भी जीरो लगाएंगे तो 512 इतना आना चाहिए, आया है नहीं आया है। 6 का क्यूब 216 दिया है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब 7 का, तो कहीं ना कहीं जो हम सोच रहे हैं वो गलत सोच लिया, तो सही क्या है। अब सही जो है ना आपको यही लॉजिक सीखना पड़ेगा, 11 का क्यूब -11 का स्क्वायर दिया हुआ है, 11 का क्यूब -11 का स्क्वायर दिया हुआ है, 11 का क्यूब होता है 1331, कितना होता है 1331, और इसमें से जरा हम 1121 घटाते हैं, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है, तो हम 121 यदि घटाएंगे तो एक में से एक जाए कितना हो गया जीरो हो गया, तीन में से दो जाए एक हो गया, तीन में से एक जाए दो हो गया, और ये 1200 कितना आ गया 10, और कहीं ना कहीं हमारा ये पैटर्न सही बैठ जाता है। तो यहाँ जो लॉजिक यूज हुआ है, आपको लॉजिक देखना है ना कि नंबर्स रटना है। लॉजिक क्या मिला है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये लॉजिक कहलाता है, ये क्या कहलाता है लॉजिक, जहाँ एक्स की वैल्यू कितना लिया है 11 लिया है, तो 11 का क्यूब माइनस 11 का स्क्वायर 1210 दे रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ भी जो है हमें वैसा ही प्रूफ करना होगा। अब देखो यहाँ पे 8 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है
एक्स की वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो 8 का क्यूब माइनस 8 का यदि स्क्वायर करते हैं, जरा देखते हैं, 8 का क्यूब होता है 512 और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 64 जरा घटाते हैं, 12 में से 4 जाए 8 हो गया, है ना बच्चों, 12 में से 4 जाए 8 हो गया, और यहाँ 10 बचा, 10 में से 6 जाए कितना हो गया 4 हो गया, और 5 में 1 दे दिया हासिल, तो 400 कितना बच गया 48, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बेसिकली आज प्रैक्टिस सेट का पहला सेट था, तो मैंने सोचा कुछ लॉजिक आपको बताते हैं, कुछ नए चीज, और बहुत ज़्यादा कठिन पढ़ के आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रीलिम्स के लिए नहीं जाना है, हमें उतना ही पढ़ना है जितना कि हम कंपटीशन को एक्सकोर कर पाए, ठीक है स्टूडेंट। तो ज़्यादा बर्डन के साथ हमें पढ़ाई नहीं करनी है, स्मूथली पढ़ाई करनी है, और आप डेली 10 क्वेश्चन के साथ मुझसे जुड़े रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 32 का संबंध 13 से है, 32 का संबंध किससे है, 13 से है, और याद रखिए ये क्वेश्चन आप कल जो है इसका सोल्यूशन मिलेगा, और आपको मैं दे रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि 32 का संबंध 13 से है तो यहाँ 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यदि आप कमेंट करते हो तो जरूर मैं इसका सोल्यूशन मैं दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप एफोर्ड कीजिए और आप बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।